सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नो महाराजा को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई रोम के बारे में जो है MIUI 9 के ऊपर हमारे K3 नोट डिवाइस और जो लिनोवो का A7000 प्लस है उसमें इस रोम को इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको इंस्टॉलेशन फी और उसके सारे जो फीचर्स है वो आपको दिखाए जाएंगे MIUI 9 के, तो सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि MIUI 9 के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरा नाम है उज्ज्वल राठौड़, आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नो महाराजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रिकवरी मोड में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है TWRP का वर्जन 3.1.1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम में ये शायद इंस्टॉल होगी भी या नहीं होगी, लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो 3.1.1 है। तो देख लीजिए मेरा TWRP वर्जन। और सबसे पहले अपना सारा बैकअप बना दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी वो बना दिया है। तब चलते हैं प्रोसीजर में। सबसे पहले वाइप करेंगे, एडवांस वाइप, और ऊपर के जो चार ऑप्शन हैं उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। इन चारों ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद स्वाइप कर दीजिए, तो ये हमारा जो सारा जो सिस्टम है उसको वाइप कर देगा और उसके बाद हम नई रोम इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अब आपकी फाइल जहाँ पर भी हो उसे लोकेट कर दीजिए। मेरी फाइल इंटरनल स्टोरेज में है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंस्टॉलेशन फ्लैश करने के लिए। ओके, ये रही मेरी फाइल। एक्चुअली ये एक्सटर्नल SD कार्ड में थी। तो ये देख लीजिए MIUI 9 की मेरी फाइल है, MIUI 9 मार्शमेलो K3 नॉट। तो ये मार्शमेलो पर बेस्ड है। तो चलिए इसे कर देते हैं इंस्टॉल। और ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, तो जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तब मैं आपसे आगे की बात करूँगा। और इसके जो मतलब डेवलपर्स है वो इलेक्ट्रो CZE और संदीप है, और काफ़ी सारे अलग भी हैं, इसमें सिर्फ दो नाम है तो मैं उन्हीं का मेंशन कर रहा हूँ। तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं हम वीडियो को रिज्यूम करेंगे। ओके, तो वेलकम बैक। देख लीजिए हमारी फ़ाइल इंस्टॉल हो चुकी है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल नहीं हुई थी, तो आपको मतलब कंपलसरी जो है वाइप करने के बाद आपको फिर से रिबूट टू रिकवरी करना होगा, और फिर से रिकवरी में आने के बाद ही इंस्टॉल करना है। अगर आप वाइप के बाद डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे तो आपकी फ़ाइल इंस्टॉल नहीं होगी। मेरी भी एरर आई थी, फिर मैंने फिर से रिबूट टू रिकवरी किया वाइप करने के बाद, और उसके बाद जो है मेरी फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। सो मैं इसे इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। तो फर्स्ट यू नीड टू वाइप द सिस्टम एंड देन आफ्टर you have to reboot into recovery once, so that make sure your file can be installed. If you installed your file directly after the wiping at the first time, your file will not be installed and it will give some kind of error. So you have to wipe it first, then again reboot to recovery mode, and after that install the file and your zip will be installing successfully. So आप देख सकते हैं मेरी फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब इसे रिबूट कर दी, और देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट रिबूट में टेक अ फ्यू मिनट्स, इट कैन ऑल्सो लूप अ फ्यू टाइम्स, डू नॉट इंटरप्ट द प्रोसेस। मतलब इस इंस्टॉलेशन में भी 10-15 मिनट लगेंगे क्योंकि 1 GB की फाइल है, और मतलब इस रिबूट में मतलब जो ये बूटअप प्रोसेस होगा उसमें भी टाइम लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फ़ोन को मतलब अपने हिसाब से बूटअप होने देना है। ये पिछले मिली जो रोम थी उसका लोगो है, आपका यहाँ पर स्टॉक लोगो आएगा अगर आपने चेंज नहीं किया है तो। और ये जो है MIUI 9 तो इंस्टॉल हो रहा है, तो उसे इंस्टॉल होने दे। ओके, वेलकम बैक। देख लीजिए हमारा MIUI 9 इंस्टॉल हो गया है, और चलिए इसका क्विक सेटअप कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 5 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, हमारी इंग्लिश हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो एनवीरम एरर है वो सॉल्व हो जाएगी जब आप एनवीरम की जो एक फ़ाइल है फिक्स की वो इंस्टॉल आप जब कर देंगे फ्लैश, तो तब ये सॉल्व हो जाएगा।
ओके तो मैंने MIUI 9 को इंस्टॉल कर लिया है, और देख लीजिए मैंने कुछ एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल किया है ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो हम सारे बेसिक्स फीचर्स से बात शुरू करेंगे और आपको बता दूंगा कि कौन कौन से फीचर जो है इसमें वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका MIUI का वर्जन। तो देख लीजिए मॉडल नंबर Lenovo K3 Note, एंड्रॉयड वर्जन 6.0, और यहाँ पर जो MIUI का वर्जन है वो MIUI 9.7.2.8.22 बीटा वर्जन दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हम बात करते हैं सारे फीचर्स, तो इंटरनेट इसमें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आपका इंटरनेट जियो का जो स्टार्टिंग में अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप जियो 4G में जाकर यहाँ से एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर लीजिए, तो उसके बाद आपका इंटरनेट अच्छे से वर्क करने लगेगा। इसमें वोल्टी एनेबल्ड नहीं है, ये हमारा K3 Note सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके बारे में मतलब ज़्यादा निराश मत होइए। अगर हम बात करते हैं वाईफाई में के बारे में, तो वाईफाई तो अच्छे से वर्क कर ही रहा है, आपने पहले से देखा होगा। अगर आपको मतलब इस रोम को अगर इंस्टॉल करना है तो पहले ही आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। बात करें ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ भी अच्छे से वर्क कर रहा है, मैंने इसे कनेक्ट कर एक फ़ाइल भी ली थी, ये वर्क कर रहा है अच्छे से। पर्सनल हॉटस्पॉट भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, मैंने खुद इसे चेक किया है। इसमें जो सारे फीचर्स हैं वो बेसिकली मैंने वर्क मतलब चेक करने के बाद ही मैं वीडियो इसका बनाता हूँ, इसीलिए ये वीडियो कभी कभार स्लो रहते हैं मतलब मेरी अपलोडिंग, तो इसी की वजह से होता है, क्योंकि मैं हर एक रोम को पहले मैं चेक करता हूँ 1 या 2 दिन तक, उसी के बाद ही मैं उसका वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर USB Type-3 भी वर्क कर रहा है, मैं अपने फ़ोन का मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देख लिया, USB Type-3 वर्क कर रहा है अच्छे से। बात करते हैं कुछ नए फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर कुछ वॉलपेपर्स नए दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं। और अगर हम बात करें थीम्स के बारे में, तो इसमें आपको कुछ नई थीम्स मिल जाएंगी यहाँ पर। और ये जो थीम्स है इसको आपको बेसिकली डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप अपना MIUI ID जो है मतलब लॉगिन कर लीजिए और आप फिर डाउनलोड कर पाएंगे। बात करते हैं अगर नोटिफिकेशन स्टेटस बार की, तो इसमें एक नया फोल्ड मतलब दिया गया है नोटिफिकेशन फोल्डर, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब जो सारी खबरें होंगी जो मतलब अनइम्पोर्टेड हमारे नोटिफिकेशन है, उसका एक अलग से फोल्डर बन जाएगा, तो आपको जब चाहे वो टाइम मिले तब वो देख लीजिए, तो नहीं तो आपको ये वो चीज़ परेशान नहीं करेगी। अगर हम बात करते हैं होम स्क्रीन रिसेंट, तो इसमें जो है 2 लॉन्चर दिए हुए हैं, सिस्टम लॉन्चर और G-Gen होम स्क्रीन करके एक लॉन्चर दिया गया है। काफ़ी बेसिक सा लॉन्चर है, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्पेस वर्क कर रहा है परफेक्टली, ये देख लीजिए मैंने मतलब क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी सेकंड स्पेस, तो वर्क कर रहा है। अगर बैटरी की बात करें, तो इसमें बैटरी जो है काफ़ी अच्छी चलती है, आपको तकरीबन 4-4.5 घंटे का जो है स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वाइप 7 के बाद इसमें भी मतलब काफ़ी अच्छी तरह की ऑप्टिमाइजेशन किया गया है बैटरी के लिए, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। MIUI Lab, ये एक फ़ीचर है, मतलब पता नहीं हमारी गैलरी जो है इमेज सर्चिंग, उसे हमारी गैलरी के बेस्ड पर जो है ये सर्च करता है किसी भी पिक्चर को। ये अभी शायद बीटा वर्जन में है, तो आपको इसमें कभी बग मिल सकती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम एडिशनल फीचर्स की बात करें, तो जैसे ये स्टॉक MIUI में होते हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है, क्विक वॉल, स्क्रीन शॉट, बटन्स, 100 मोड, सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बेसिकली मुझे इसमें कोई भी बग नहीं मिला है, सारी की सारी चीज़ें इसमें वर्क कर रही है परफेक्टली, मैंने सारी चीज़ों को चेक किया है। और ये प्लॉक और ड्यूअल एप्स की तो बहुत बेसिक्स फंक्शंस है, सारी वर्क करती है। मैं आपको एक क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ओके तो देख लीजिए ये रहा एक 1-click installer और एक यहाँ पर है 1-click installer। तो देख लीजिए सारी फीचर्स जो हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और इसमें जो डाउनलोड की जो प्रॉब्लम थी ये उसमें नहीं है। यहाँ से देख लीजिए सेटिंग्स में जाकर, यहाँ से जो डाउनलोडिंग यूजिंग मोबाइल डेटा की जो है रेंज, उसे बेसिकली ये पहले 2 MB पर होगा, 2 MB, लेकिन आप उसे अनलिमिटेड पर सेलेक्ट कर लीजिए।
तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे यूज़ करने में। इनबिल्ट इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वॉइस असिस्टेंट भी इसमें दिया गया है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। MI वॉलेट दिया गया है, MI वीडियो, गेम्स भी अलग से दिया गया है ऑनलाइन, मतलब आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है सारे के सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं, मुझे कोई भी बग नहीं मिली है। एक्सपोज्ड भी इसमें प्री इंस्टॉल दिया गया है, सिर्फ आपको जो है एक्सपोज्ड की फ़ाइल फ्लैश करनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसकी फ़ाइल दे दूँगा। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। और हाँ, एक और बात, कैमरा इसमें बता देता हूँ, कैमरा भी वर्क कर रहा है इसमें अच्छे से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, कैमरा वर्क कर रहा है परफेक्ट, तो कैमरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और म्यूज़िक भी इसमें वर्क कर रहा है, तो इसमें सारे जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे वर्क कर रहे हैं। तो आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, आप इसे डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर से बताइए, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो है अब आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस ला सकें। तो थैंक यू वेरी मच।